हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। और नानू कह रहा है कि ये ताने मारती रहती है, ताने मारती रहती है। तो देखो, 9 महीने तक तो ये ताने सुनेगा ही सुनेगा, क्योंकि बच्चा होने वाला है 9 महीने तक। अब हंस भी रहा हो मेरी बात सुन के, क्योंकि 9 महीने जैसे और पेट में दर्द सहती है ना, इसको भी पूरी लोगों की किस उतारते उतारते से सहना पड़ेगा। इसको लगेगा, फील होएगा कि और कैसे दर्द सहती है, वैसे दर्द इसने शायद इसको दे दिया है ना। अब सहो। 9 महीने तक मेरे भी बेचारे ताना सुनता रहेगा। फिर कहता देख ले, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, मैं जाने भी नहीं दूंगी, कहाँ जाएगा छोड़ के, पता ही नहीं चलेगा। जाने नहीं देना मैं उधर को, काम पे जाऊंगा। ऐसा नहीं, आना पड़ेगा तुझे हम लोगों के लिए। मुसीबत बड़ी थोड़ी ना है बीवी से ज्यादा। बीवी सबसे बड़ी मुसीबत होती है लोगों की लाइफ की, है सोच। मुसीबत तो छोटी सी है, इससे बड़ी कोई मुसीबत हो सकती है? ऐसा सोचा कर। पतला झूठ आगे सच याद ही नहीं करा इसने, और मैंने इसको पढ़ाया भी नहीं जब से हमारा तिगड़ा भेड़ा। पता नहीं कैसे मार्क्स लेके आएगा, क्योंकि ट्यूशन भी नहीं जाता। माँ बाप ट्यूशन भेज देते ना बच्चों को, मैं ही पढ़ाती हूँ उसको। जो बच्चे आ जाएगा जल्दी, आजा जल्दी, जल्दी आजा, आजा। चलो, तू कैसे नहीं खा रही बेटा, गंदा गंदा खा रही तू। खाने की शौकीन चूरन चूरन खा रही, ऊपर से तोड़ के फेंक दिया ना, गिल्ला गिल्ला सो रहा था तो आ नहीं थी अपने पापा के पास। जो बच्चे अभी पूरे दिन भर ना यही हल्ला करती रहेगी, कहेगी जो बच्चे शरारत करते हैं, ऐसे से बोलती है। मुंह देख के तक गंदा हो रहा चूरन खा खा के, ऐसी ऐसी चीजें दिला देती है, मुंह ही सड़ा रखा उसने खा खा के। जो बच्चे आ करके चूरन खाते हैं आकर, ला दे दे मत दे इसको, मैं खा लूं। ऐसे चूरन चूरन चरण ना दिलाया कर, कभी इसमें पता नहीं क्या क्या होगा यार, क्या क्या पीस देते होंगे चूरन बनाने के लिए। नहीं, बेर होता है, बेर को पीसते हैं बस। अरे बेर तो होता है पर देन देना, एक वो खबर रहती कांच पूछ रहता था इसमें शायद। अच्छा, वो वाला काले वाला था, वो दूसरा मिलते ही नहीं मेरे को, मैं अपने लिए लेके आती हूँ। तेजाब बोलते हैं, तेजाब बोलते ऐसे नहीं खाना चाहिए। पैसा ही पैसा होगा, सोचा था हमने पैसा ही पैसा होगा। वो आती ना हेरा फेरी मूवी, और इनमें मूवी ये मूवी देखने के बाद भी हम लोगों को बुद्धि नहीं आई। बेचारा पागल हो जाता है अपने पैसे के लिए, पता नहीं बहुत मजबूर हो जाता है, और हम सीख नहीं पाए। एक मैं तो अक्षय कुमार ने भी रोल किया है उसमें, बेचारा कितना परेशान हो जाता है, इसका ले उसका ले इसका ले उसका ले। अभी बिल्कुल सेम हमारी जिंदगी वैसी चल रही है सेम। तेरे को पैसा डबल करना था ना मेरे को बताता, मैं डबल कर देती, शीशे के सामने रखती, उधर भी दिखाई देता इधर भी दिखाई देता। लेकिन तू सब्जी वाला है, गली में ही खड़ा हुआ है, तो सब्जी लेके आऊं मैं। मेरी छनिया बाला, और सब कुछ महंगा हो रहा, बताओ इस टाइम तो मुझे, या फिर लग रहा है बहुत महंगा, या हो ही रहा है महंगा। है तो सब्जी भी तो है, मेरे को लगा ऐसे फ्रूट फ्रूट बेच रहे हैं। का कंडीशन खराब चल रहा है इतना, आप पन्नी में आप डाल देना। उस भाई को अपना किस्सा सुनाया तो उसने मुझे सब्जी भी सस्ती दी, 40 रुपये का टमाटर दिया और 30 रुपये की प्याज दी, बकायदा 60 रुपये किलो टमाटर चल रहे। पर बोली कि जॉब वालों ने भसड़ कर दी कि जॉब के लिए बोल रहे हैं अनसर्ट। ना ना हाँ। अरे यार फ्लोटिंग कैश जरा डालना होता है, फ्लोटिंग कैश डालूंगा बिना यूपीआई के। हाँ रे तेने तो सब कुछ गड़बड़ हो गया रे, तेने नहीं हमारे से गड़बड़ हो गया, और तेने तेने करती रहूंगी तो कहेगा मेरे पे दोष लगा रही हमारे से गड़बड़ हो गई है। हमारे में दोनों आ जाएंगे ना, बहुत ज्यादा बेकार हो गया। बंदा बोलता है बोल मत, और ये मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है। इसकी टेंशन थोड़ी सी कम होती है मेरी शक्ल देखने से, लेकिन बोलता है कि तू बोल मत, और पीछे पीछे घूमता रहेगा। कहीं भी बैठी होंगी ना, बहाना मार के चाय का कुछ का बुला के अपने पास बिठा लेगा, और मेरे को देखता रहेगा। जैसे बोलता है ना बीवी टेंशन होती है, इसको ऐसा लगता है कि बीवी को देखता रहूंगा टेंशन कम होती रहेगी, इसके दिमाग में चलता है। नौ चला अपने मिशन पर, और इसका मिशन यह है कि लोगों का मैं खर्चा उतारूं। बेचारे के पैसे फंस गए लोन के, फिर दोबारा से इतनी भी मुसीबत आए बस तू मुस्कुराता रहे मेरी जान, नहीं मारेगी तेरी बीवी ताने। चाय बनवाता आधी पिता हमेशा मेरे को पकड़ा देता है, फेंको मुझे ना पीऊं। मैंने ये तो बताया नहीं आप लोगों को, देखो काली चाय पीने की नौबत बता रही है, काली चाय। आशीष की टी शर्ट बनाया बहुत सुंदर घर, कहता है 25 साल का हो जाऊंगा तो ऐसा घर बना के दूंगा मम्मी, ऐसा घर ये देखो। 25 सितंबर आ जाइए, सितंबर में तेरा बर्थडे आता था 25 को। कहाँ मेरी स्कूटी भेज दे, तेरा थोड़ा बहुत कर्जा उतरता है तो।
नॉन चला गया बैंक और बच्चे खेल रहे मेरे पड़ोस में और मैं हूँ घर पे अकेले। अब बजे हैं 10:11:12 तो बनाऊँ मैं खाना। बासी सब्जी से काम चलाएंगे, बासी सब्जी से। कल की सब्जी पड़ी वही है, अब मैं बनाऊंगी सिर्फ चावल। लड़ाई करी ना तुम दोनों, मैं पिटाई कर दूंगी आज। क्या कर छोड़ छोड़। मम्मी ये आलू बचा रहा हूं। मम्मी ये चावी है, ये अंदर रखा है, यहां पे चावी है, ये अभी आधी बैठ देगा, यहां पे घूम जाएगा। नहीं चाबी से हमें, चाबी अंदर है। है हाँ। गाड़ी में है चाबी? हाँ। ए वो गाड़ी घूम जाएगी, गिर जाओगे। हाँ चाबी नहीं लगानी इसमें। आती तू आगे तो, ये माचिस कहाँ से ला रही है इतनी सारी, किसके घर की ला रही है उठा के? हाँ हाँ माचिस इसमें तो मंकी ले जाएगा तेरे को। मैं तो जा रही, बंद कर दीजिए। मंकी ले जाएगा, टप्पल खड़ेगा। सो जाओ, अब थोड़ी देर में सो के उठेगी ना तब नहलाऊंगी। अभी नहीं नहला रही मैं इसको, मुझे बहुत काम है अभी। मैं कभी मजाक नहीं करती हूँ। मैंने बिल्कुल अपनी एक वीडियो में कहा था शॉर्ट में, अगर सब कुछ सॉल्व हुआ तो सही है, वरना मैं किसी पे अपने बच्चों को बोझ बनने के लिए छोड़ के नहीं जाऊंगी। हम चारों के चारों ही साफ हो जाएंगे यहाँ से, दुनिया से। 1.5 लाख रुपए जोड़ने में कम से कम हमें 2 साल का टाइम लगता, लेकिन ऐसा हुआ कि 3 दिन में 1.5 लाख का छूना लगा। और अब उसे भरने में हम कैसे भरेंगे ये हम नहीं जानते, क्योंकि मेरी आईफोन की 10,000 रुपये किस्त वैसे ही जा रही थी, आईफोन की और एक दो चीज़ की और EMI जा रही थी। टोटल मिला के 10,500 रुपये महीने का जा रहा था। अब कैसे कमाएंगे और कैसे क्या करेंगे ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। अगले महीने मेरे लड़के का एडमिशन भी होना है, क्योंकि पेपर चल रहे हैं, वो नेक्स्ट क्लास में जाएगा, कपड़े लत्ता और किताबें सब कुछ देखना होगा। लेकिन ऐसा गड़बड़ हो गया ना जीवन, अगर जिस पर बीतेगी ना शायद वो इस चीज़ को समझेगा। हंसी आ रहा है यार बैठे बैठे अपने आप ही, कि क्या करेंगे हम, कैसे हम 9 महीने झेलेंगे। जब 6 महीने बीत जाएंगे ना तो सब मैं सोचूंगी 3 महीने भी बीत ही जाएंगे, लेकिन अभी तो पहले ही महीने हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन है। नानू आ गया, बस उदासी वाला कोई लेशन ना सुना दे। तो नानू आया था, उसने बोला कि फ़ोन का कैमरा मत ऑन कर, तो उसने मुझे बताया कि अमाउंट जो फ्रीज हो गया, जो उसने लोन लिया था वो भी फ्रीज हो गया है। अब कल सुबह तक का टाइम दिया गया है उसे कि अनफ्रीज हो जाएगा कल सुबह तक, क्योंकि बहुत सारी ईमेल जो है PNB को जा रही थी, PNB में अकाउंट है ना उनका, तो उसमें जा रही थी, तो उनको लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो मैनेजर ने ना वहाँ से फ्रीज कर दिया वो चैनल। फिर उन्होंने सुबह सुबह KYC लगा के आए, खुलवाया वहाँ पर, खुले तो नहीं अभी, कल तक खुलेगा। उन्होंने बोला कि 24 घंटे में कभी भी खुल सकता है, आप देखते रहना। और अब खाना खाया है और काम पे चला गया, और मैंने वीडियो नहीं शूट कराया क्योंकि उसका माइंड थोड़ा सा ऑफ है, क्योंकि उसका अमाउंट जो लोगों को देना था वो फ्रीज हो गया। इसको मैंने नहलाया अच्छे से और अब देखो अच्छी खासी चमक रही है। अब ये जाएगी बाहर खेलने, इतना गंद बंद मुँह बना के आई। अभी बेटे को भी नहलाया था, वो भी बाहर चला गया नहा धो के तैयार होके, फिर मट्टी में होके आते हैं। इनको रात को पैर देखो तो इनको ऐसा लगता है बिस्तर में ना सुलाओ। तो हमारी पड़ोसन को घर के अंदर खेलना है, क्योंकि घर के अंदर रखा है ये टेंट, छांव आने दो फिर मैं बाहर रख दूंगी, बाहर खेल लेना इसमें घुस के, ठीक है? कर रही हो अकेले बैठे बैठे यहाँ? भाई वहाँ उसका पिट्ठू खेल रहा है इतनी धूप में। मेरी जर्नी को देखते रहो, अगर मैं गिरती हूँ तो पूरी सफल जाऊँगी दुनिया से, वरना आपको उठते हुए दिखूँगी। तो मैं ये सोच लूँगी कि आप लोगों ने मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिया है, जिस कारण मेरी प्रॉब्लम आप लोगों के द्वारा सॉल्व हो गई बताते बताते। तुम्हारी बदनामी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे मैंने कहा ना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए तो बता रही हूँ मैं आप लोगों को। क्या होगा हैं, क्या सोचेंगे लोग बताओ ना आप? हम ना रहे कल के दिन, इतना बड़ा कांड हो गया हमारे साथ, हमको ये तक खाने के नहीं पड़े हुए, हम किससे मांगे किससे क्या करें समझ में नहीं आ रहा। अब इसको चुका नहीं पाएंगे तो फिर तो क्या ही होगा है, तो मर जाऊंगी तब अच्छा रहेगा कि अभी मैं इस प्रॉब्लम से निकलते हुए दिखलाऊं आपको, वो अच्छा रहेगा, ताकि और लोग भी सीख लें कि मरना नहीं है, स्ट्रगल करके अपनी ज़िंदगी में जीना ये सीखें। रियल लाइफ देखना मंजूर नहीं है लोगों को, अगर कोई धारावाहिक या नाटक चल रहा होगा ना उसे खूब आँखें गाड़ गाड़ कर लोग देखते हैं, तो ये रियल लाइफ असल में ऐसी ज़िंदगी होती है, मजाक नहीं यही सच होता है जो चल रहा होता है। बाकी तो फिल्मों में देखा गया, नाटकों में देखा गया, वो नौटंकी होती है, वो वहीं तक सही लगती है, रियल लाइफ में उतर कर देखो तो ये है वो जिंदगी। हो गए मेरा हस्बैंड और मैं हो गई वीडियो बनाने के लिए रेडी। क्रीम पाउडर नहीं हुआ तो सुखा रहा, 4 लिपस्टिक खरीद के दी थी, सिर्फ मेकअप का सामान, मेरे पे लिपस्टिक बड़ी है। बाय बाय।